भारत की सबसे भरोसेमंद कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों में बड़े बदलाव करना भारत के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। पहले के मुकाबले अब टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में बेहतरीन फीचर्स से लेकर शानदार डिजाइन के लेकर चलते नजर आ रही। जहां पर टाटा मोटर्स ने अपनी जबरदस्त कारों को लॉन्च करके भारत में हड़कंप मचा रखी। वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि समझ गए होगे कि आज की इस वीडियो में हम कौन सी कार के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। जी हाँ, भारत की इकलौती ऐसी कार जो कि 1,00,000 रुपए में आने वाली कार लेने वालों का सपना आज से 3 साल पहले ही पूरा कर चुकी है, जिसका नाम है टाटा नैनो। अब वही कार 2023 मॉडल के साथ भारत में नए अवतार में एंट्री लेने वाली है। आप लोगों ने सही सुना, भारत में ये मिनी कार जल्द ही दस्तक अपने अवतार में देगी और इसके साथ ही ये उम्मीदें भी लगाई जा रही है कि आने वाली नई टाटा नैनो 2023 मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 और ऑल्टो को कड़े मुकाबले के लिए डिजाइन करते हुए भारत में लाई जा रही है। इतिहास पर नजर डाली जाए तो भारत में टाटा नैनो को इतनी सफलता पहले नहीं मिली, मगर फाइनली अब टाटा मोटर्स ने अपनी नैनो को अपडेट करते हुए इस कार को रीडिजाइन के साथ ही साथ बेहतरीन फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट से बांध दिया है और साथ ही साथ आने वाली इस जबरदस्त सस्ती कार के अंदर एक प्रीमियम इंटीरियर की लिस्ट भी आप सभी को देखने को मिलेगी, जो कि आज यानी 2022 में भी अब ये कार 1.5 से 2 लाख रुपए में आपकी कार लेने का सपना पूरा कर सके। वीडियो में आगे बढ़ते हुए टाटा नैनो 2023 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के इंजन तथा पावर की तरफ सबसे पहले गौर किया जाए तो मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जानकारी के अनुसार अगले साल भारत में कदम रखने वाली टाटा नैनो 2023 मॉडल अपने साथ भारत के लिए 1.2 लीटर के इंजन ऑप्शन 3 सिलेंडर यूको टेक्नोलॉजी से लेस के साथ लेस होके आने वाली है। टाटा मोटर्स का दावा है कि टाटा नैनो को अब पुराने मॉडल की तुलना में और ज्यादा एडवांस हर चीज में देखने को मिलेगा। नए इंजन के साथ आप सभी को भारत के बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए ये कार आपको करीबन 82 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 102 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रहेगी। मेरे ख्याल से जबरदस्त परफॉर्मेंस भारत की सड़कों पे इस कार के तहत आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बता दें कि टाटा नैनो के अंदर आप सभी को 5 स्पीड EMT और 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन गियर विकल्प ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं। माइलेज की बात करी जाए तो आने वाली टाटा की नैनो 2023 नया मॉडल आपको प्रति लीटर में भारत की सड़कों पे फ्यूल एफिशिएंट पावर देने वाला है, जिसके चलते यही कार अब आप सभी को 31 से 32 के आसपास माइलेज देने वाली है। मेरे ख्याल से इतना माइलेज आप सभी को भारत में आई नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 मॉडल में दिखाई देता है। क्या ये कार उस कार को माइलेज के मामले में पछाड़ पाएगी, वो तो आने वाले कुछ समय में ही पता चलने वाला है। धांसू होने वाला है टाटा की सस्ती कार का लुक और जबरदस्त फीचर्स से लेस होके भारत में आने वाली है। तो टाटा की नैनो को बीते 4 अक्टूबर को हम सभी के लिए फाइनली लॉन्च किया जाएगा और साथ ही साथ बता दें कि इस कार से हर चीज का पर्दा उठ चुका है। जी हाँ, सामने आ चुकी है कार के एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर और फीचर्स की जानकारियां, जो कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि टाटा की आई नैनो को कितना फास्ट फॉरवर्ड डिजाइन दिया गया है, जो कि इसके चलते भारत में इस कार को कई जबरदस्त कारों से अलग बनाता है। टाटा नैनो को पूर्ण रूप से देखने में लगता है कि ये माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टाटा की जबरदस्त पंच के मुकाबले ही भारत में एंट्री लेगी, जो कि बेहतरीन शानदार लुक के चलते भले ही ये कार छोटी हो लेकिन दिखने में ये काफी मस्कुलस भारत में नजर आएगी और इसके रियर और फ्रंट में सारी लेटेस्ट डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आज के टाइम में 4 से 5 लाख रुपए वाली कारों में आप सभी को भारत में देखने को मिलते हैं। टाटा की आने वाली नैनो को नेक्स्ट जनरेशन विकल्प ऑप्शन के साथ पूरे 6 नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ लाया जाएगा, जिसमें आप सभी को डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन थीम और फ्रंट ग्रिल को LED DRL ऑप्शन के साथ हैंड अप डिस्प्ले में दिखाया गया है और साथ ही साथ इस कार में आपको हैंड लाइटिंग के साथ ही जबरदस्त प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के सेटअप और साथ ही साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स का कॉम्बिनेशन इस जबरदस्त छोटी कार में फॉग लैंप्स के साथ दिखाई देने वाला है, जो कि इस कार को काफी ज्यादा मस्कुलस लुक से प्रदान करता है। साथ ही साथ टाटा की नैनो के अंदर आप सभी को छोटे नहीं बल्कि आप 16 इंच के अलॉय व्हील कंपनी फिटेड देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ टायर साइज को अपडेट करते हुए 16 इंच के डायमंड कट के साथ लाया जाएगा। आने वाली टाटा की नैनो को कुल मिला के 6 नए वेरिएंट ऑप्शन के साथ लाया जाएगा। इस कार में आप सभी को डुअल अपडेट्स के साथ 15 व्हील बेस डुअल ड्राइविंग मोड ऑप्शन देखने को मिले। साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो टाटा की नैनो के ग्राउंड क्लीयरेंस को ऊंचा रखा गया है और साथ ही साथ उबड़ खाबड़ ऑफ रोडिंग के दीवानों के लिए ये कार एक
बेहतर विकल्प ऑप्शन कम दाम में साबित हो सकती है। अब पूर्ण रूप से कहे तो टाटा की आने वाली टाटा नैनो अब बदल चुकी है और नए अवतार के साथ कई कारों को धूल भारत में चटा सकती है। ये तो हो गई टाटा नैनो के एक्सटीरियर की बात, अब बात कर ली जाए फीचर्स और इंटीरियर के बारे में। क्या ये कार आप सभी को बैठने के बाद प्रीमियम फील करवाने वाली है? क्या ये कार दोबारा से लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी? तो इंटीरियर फीचर्स को साफ साफ वीडियो में देखा जा सकता है कि ये 7 इंच के बड़े टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लेस करके लाई जा रही है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट से लेकर नेविगेशन सिस्टम, यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम के साथ रियर व्यू कैमरा, वायरलेस कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स, पैसेंजर एंटी पुश एंड स्टार्ट स्टॉप बटन, सेंसर इन हाई एडजस्टेबल सीट्स ऑप्शन के साथ क्रूज कंट्रोल जैसे बेहतरीन फीचर्स की लिस्ट देखने को मिलती है। डैशबोर्ड की बात करें तो ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ डैशबोर्ड को काफी ज्यादा ग्लॉसी डिजाइन दिया गया है। साथ ही दोनों तरफ नए आकार के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स देखने को आपको पहली बार नैनो के अंदर दिखाई देंगे और वायरलेस चार्जिंग के साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा और हारमन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन टाटा की नैनो कार में म्यूजिक सुनने वालों के लिए भी मिलने वाले हैं। अब बात कर ली जाए इस कार के स्पेस के बारे में, तो जी हाँ, अब टाटा नैनो को अब स्मॉल कार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये कार अब भारत में मौजूद टाटा पंच से थोड़ी ही छोटी होने वाली है। यानी अब टाटा नैनो के अंदर 4 लोग बैठ के सफर कर पाएंगे। वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं कि स्पेस इस कार में कितना देखने को मिल रहा है। खुले होके बैठ के सफर करने के बावजूद भी लेग रूम को कितना अच्छा इस कार में बिल्ड किया गया है। साथ ही साथ सामान रखने के लिए भी काफी अच्छा बूट स्पेस इस कार में मेंटेन रखा गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो टाटा की जबरदस्त नैनो को भारत में अब फाइनली नए अवतार के साथ लाने की प्लानिंग हो चुकी है। इस कार को जितना हर चीजों में अपडेट किया गया है, उतना ही सेफ्टी फीचर्स में भी कार में भरपूर ध्यान दिया गया है। टाटा ने अपनी नैनो के नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को जबरदस्त प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया है। जी हाँ, इस कार में आप सभी को ऑल्ट्रोज वाला प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये कार टिन प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की गई है, जिसके चलते इस कार को 90% तक स्टेनलेस स्टील से डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ भारत में आने वाले नए वेरिएंट को 5.3 की रेटिंग दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से सुजुकी की कारों के आसपास बताई जा रही है। टाटा की कारें बिल्ड क्वालिटी के साथ और महिंद्रा की कारों से कड़ी टक्कर लेती है, क्योंकि इन कारों की भी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा एडवांस रखी जाती है। टाटा नैनो के अंदर पूरे मिलते हैं 3 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, ईबी टेक्नोलॉजी के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे को शामिल किया गया है। है ना कमाल की बात, इतने सारे एडवांस लुक के चलते टाटा नैनो की एंट्री अब भारत में 4 अक्टूबर को फाइनली होने वाली है। लॉन्चिंग की बात करें तो जी हाँ, इस कार की प्री बुकिंग हम सभी के लिए स्टार्ट हो चुकी है। यानी वीडियो को देखने के बाद टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके कार की जानकारी लेकर कार को 5,000 रुपए की टोकन अमाउंट राशि के साथ बुक किया जा सकता है। तो देरी किस बात की, अगर आपका दिल दोबारा से टाटा नैनो का लेने का मन हो चुका है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो बनाने में लगता है टाइम, तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।